हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग आपकी एनर्जी पे बेस्ड होने वाली है कि आपकी एनर्जी किस तरह की है, क्या चल रहा है आपके माइंड में, और क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और क्या एक्शन होगा अगर हमें रीडिंग में नज़र आए तो। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। आपकी एनर्जी चेक हो रही है तो आपको आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता। जबकि कमेंट सेक्शन में लोग बहुत ही कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे प्राइवेट रीडिंग्स में भी लोग कहते हैं मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, गाइडेंस हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, कोई चीज़ जो आपके जहन में उलझी हुई हो, अटकी हुई हो, वो भी हो सकती है। गिव योर सेल्फ अ डीप ब्रेथ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, सब कुछ, सारी चीज़ें, सब चीज़ें छोड़ दीजिए। ठीक है, लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। Page of Pentacles, Nine of Pentacles, Three of Wands, Queen of Swords, The Hermit. Okay. इंटरेस्टिंग। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस वर्गो। ठीक है, सिर्फ वाटर साइन नहीं है यहाँ पर। आपकी एनर्जी, आप मुझे एक वेटिंग जोन में लग रहे हैं, किसी की ऑफर के वेट में, किसी के इंतज़ार में, और एक इंतज़ार ऐसा कि कोई आपकी इंडिविजुअलिटी को देखे, आके चेक करे कि आप कैसे से कैसे हो गए हैं। आपने बहुत लंबा अरसा गुजारा है इस इंतज़ार में। आप ऐसी वेट, ऐसे इंतज़ार में हैं जिसमें आपकी नाराज़गी और आपका उसूल शामिल है। आपने अपने आप को किसी मखसूस एनर्जी से डिटैच किया हुआ है। आप आजकल किसी से बात नहीं कर रहे, मतलब यूँ नहीं कि आप किसी से बात नहीं करें, लेकिन जो आपका एक सर्कल होता था जिसमें आपकी न्यूज़ बड़ी अपडेटेड रहती थी, वहाँ से आप डिटैच हैं। आपके उसूल ने, आपके गुस्से ने, आपकी नाराज़गी ने आपको किसी हद तक अकेला कर दिया है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों की नज़र का तो ठीक है, लेकिन आपके अपने हिसाब से यू आर वेरी हैप्पी। इवन आप जिस वे किसी ऑफर का, किसी मैसेज का, किसी पर्सन का, किसी टेक्स्ट का या किसी कॉल का अगर आप कोई वेट कर भी रहे हैं, तो इट इज़ नॉट कि आपने कोई ऐसी चीज़ की हुई है कि आपकी तरफ से कोई अपॉलोजी है या आपकी तरफ से कोई ऐसा मामला है। दिस इज़ समथिंग कि कोई नई बात, कोई नया तरीका, और किसी तरह से कैसे अपने आप को डिफरेंट और यूनिक बनाया जाए, कोई आपको नोटिस करे, आप कुछ ऐसा और क्या करें कि आप और ज़्यादा मैग्निफिसेंट हो जाएं। बिकॉज सी, आप इस नाइन ऑफ पेंटिकल से पूरे कंप्लीट हैं, सिर्फ एक ही पेंटिकल की कमी है, वो है टेंथ प्रैक्टिकल कह रही हूँ, पेंटिकल। अगर 10 पेंटिकल्स मिल जाते हैं तो वो कंप्लीशन का कार्ड होता है, वो फैमिली का कार्ड, वो कमिटमेंट का कार्ड। तो दैट सीम्स लाइक के यू आर वेरी क्लोज, यू आर वेरी क्लोज टू योर गोल। ठीक है, और आप बहुत खुश हैं अपनी एनर्जी में, अपनी स्किन में, अपने स्टाइल में, अपने ट्रेंड में, अपनी कंपनी में, अपने मी टाइम में। यू आर नॉट एट ऑल वेटिंग फॉर एनीबॉडी। दिस इज़ शोइंग दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ग्राउंड। लोग आपसे बात करने से डरते भी हैं,
और आप लोगों ने जो आपने जो ये डिस्टेंस मेंटेन किया है, इस लॉन्ग डिस्टेंस में आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपकी जो प्लानिंग है, आपको जो चीज़ यूनिक बनाती है, उसमें आप काफ़ी हद तक एक बहुत अच्छी आपकी फीलिंग है। आप अपने एंड पर तमाम चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, आगे छोड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके अंदर पैशन भरा हुआ है, यू वांट समथिंग न्यू। कोई नए, कोई भी अगर आपको कोई नए प्रोजेक्ट की ऑफ़र करे, किसी नए काम को कहे, कोई एडवेंचरस को कहे, आप करने को तैयार हैं। बट हाँ, आपके उसूल हैं, आपके कुछ नॉर्म्स हैं, आप अपने तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि जैसे आप जितनी ज़्यादा कंडीशन सेट करेंगे उतने आप अकेले होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता, पत्थर अपनी जगह पर भारी ही होता है। तो यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग आपकी नाराज़गी का काफ़ी हद तक जो है वो एडवांटेज ले रहे हैं। जितना टाइम डिले होता चला जा रहा है उतना ही लोगों को लग रहा है कि खुद किया करा है, खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, खुद अपने ऐसी नाराज़गी क्रिएट की है, खुद ऐसे अपने उसूल बनाए हैं, खुद ही अकेले रह जाएंगे, ये ब्ला ब्ला। इट्स नॉट लाइक दैट। इवन आप अकेले रहकर शायद बहुत सारे लोग अब आजकल आपको ढूंढ भी रहे हैं, दैट वेयर आर यू। और जब कभी भी उनसे आपकी बातचीत हो रही है तो दे आर फाइंडिंग यू इन अ वेरी स्टेबल वे। कुछ भूले भटके से कुछ लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, कहाँ हो भाई इतने दिनों से, ये वो फला डिमक, एंड व्हेन दे आर फाइंडिंग यू, यू आर ऑल सेट, यू आर वेरी काम, यू आर नॉट मिसबिहेविंग विद देम। बट येस, इस डिस्टेंस की वजह से कुछ लोग, आप कुछ लोगों से नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों को आपके उसूल बुरे भी लग रहे हैं, बट यू आर वेरी हैप्पी। आप सोच पे ज़्यादा हैं, सोच में बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, आप आजकल किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेट्स सी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स, आपको तो नहीं लग रहा, लेकिन आप एक लम्हे को ये बात ज़रूर सोचते हैं कि मैंने अगर किसी से बातचीत बंद की हुई है या मेरी आजकल किसी से बातचीत बंद है, तो इसका मतलब मेरी कभी ऐसे लोगों के साथ कोई कनेक्शन था ही नहीं। आपको अपने हाथ पांव थोड़े से बंदे बंदे लग रहे हैं, शायद आप अपने किसी नॉर्म को तोड़ के कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपको एक आपकी हायर सेल्फ आपको कह रही है कि ओके फाइन, डू इट, डू इट। बट जो प्रैक्टिकलिटी की चीज़ें हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर दफ़ा मुझे नहीं झुकना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपकी करंट एनर्जी तो ये लग रही है। और इसको एक्सटेंड करते हैं, लेट सी व्हाट मोर। एस ऑफ पेंटिकल्स ऑफर, सॉलिड ऑफर। एस ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग इज कमिंग टू यू। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आर्ग्यूमेंट। Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, King of Pentacles, somebody is coming back, ठीक है। जो आप, आपको नहीं लग रहा कि कोई वापस आ रहा है, लेकिन कोई वापस आ रहा है, कोई एक ऐसा पर्सन जिसको रियलाइज़ हुआ है कि आपके नॉर्म्स बिल्कुल ठीक हैं, आपकी कंडीशन बिल्कुल सही थी, और ये आपकी गट फीलिंग आपको सही कह रही हो। जो अभी मैं बात कह रही थी ना कि आपकी हायर सेल्फ कह रही होगी सरेंडर कर दो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे बिकॉज आपको पता है कि आप गलत नहीं हैं। यहाँ पर मैं आपकी तरफ एक सॉलिड ऑफर, एक सॉलिड ऑफर आते हुए देख रही हूँ। कोई आपसे बात करेगा, और जब बात करेगा तो फड्डा होगा, ठीक है। ये आपके अपने सिबलिंग्स, आपकी अपनी फैमिली, आपके कॉलीग्स, आपके सोशल सर्कल के लोग, या वो लोग जो जिनसे आप नाराज़ हुए हैं, दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू टॉक टू यू एंड दे विल कमिट के भाई चलो चीज़ों को ठीक करते हैं, लेट्स वर्क ऑन इट। एंड आई कैन सी अ वेरी डैडी काइंड ऑफ अ थिंग, अ वेरी वेल्दी पर्सन एंड अ वेरी मेच्योर पर्सन इज कमिंग टू यू। दे वॉन्ट टू गिव यू सॉलिड ऑफर, अ वेरी मैस्कुलिन एनर्जी, नो मैटर वॉट, ये किसी खातून में ही क्यों ना हो, लेकिन कोई आपको ये फील कराने वाला है कि लेट्स वर्क टुगेदर। चाहे वो बहस के लिए शायद तैयार हैं, वो डांट सुनने के लिए शायद तैयार हैं, वो आपसे लड़ने को तैयार हैं, और आपको पता है कि यार ये सब चीज़ों को ठीक करना अगर पड़ा तो झगड़ा करना पड़ेगा। शायद आप अब झगड़े मूड में, फाइट मूड में अब आप नहीं रहते, इसीलिए आप शायद हर्मेट मूड में हैं, आपको लड़ाई झगड़ा अब पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि किसी की एनर्जी आपके ऊपर बहुत हावी होने वाली है, आप हैवी फील कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ
कि आप खुद भी सेंस कर सकते हैं कि कोई ना कोई टकराने वाला है, कोई ना कोई आने वाला है, कोई ना कोई आपसे बात करने वाला है, एंड यू नो इट वेरी वेरी वेल। सो ऐसा है, और देखते हैं क्या साइंस हैं, लेट्स सी मोर। आपकी एनर्जी चेक कर रहे हैं, सेल्फ केयर एनर्जी। आप अपनी एनर्जी में कुछ टॉक्सिक लाना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि इस हारमोनी के अंदर कुछ हो रिप्रेशन, रिग्रेट। ये एनर्जी जो भी है इसको बहुत डीप रिग्रेट हो रहा है, एंड आई थिंक इसीलिए शायद इनको चीज़ें फिक्स करनी है। डिटैचमेंट, आपका कोल्ड एटीट्यूड नहीं बेयर हो रहा, आप कोई साइन नहीं दे रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, यू आर अ ठंड प्रोग्राम एट द मोमेंट। कार्ड्स निकल के सिग्नल्स आए जा रहे हैं, चेंज एंड करें जो आपने किया है ना, जैसे आप वॉक अवे हुए हैं इसके लिए बड़ा तप्पड़ चाहिए होता है, और आपने किया है। एंड लैक डाउट्स, ये एनर्जी अपने अंदर कोई भी स्टेप लेते हुए डाउटफुल है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, ये पीछे से कोई वार करेंगे, ये कोई आपको कुछ और बताकर कुछ करेंगे, किसी के थ्रू कुछ करवाएंगे, किसी के थ्रू मैसेज दिलवाएंगे, कोई ख़बर दिलवाएंगे, कुछ भी ऐसा, बट ये इस तरह के साइंस हैं। किसी को रिग्रेट बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपका कोल्ड एटीट्यूड नहीं बेयर हो रहा, उनको आपकी हिम्मत पे भी बड़ी दाद देनी पड़ रही है कि किस कसम का करेज है कि ऐसी तब्दीली अपने अंदर लाना कि फिर पलट के ही ना देखना, अपना सारा सामान ताम तोबड़ा उठाए और निकल पड़े और पीछे पलट के ही नहीं देखा कि यार एक अरसे का साथ है। प्लस आप अपनी एनर्जी को टॉक्सिक नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि मेरे पास किसी की भी नेगेटिव एनर्जी आए, एंड आपको है, आपको डाउट है, आप यहाँ पर आकर अपने कॉन्फिडेंस पे लैक करते हैं कि नहीं, ये जो एनर्जी है ये टकराएगी और शायद आपका एक पैटर्न ब्रेक होगा। वो पैटर्न आपको टेस्ट करने के लिए आएगा कि क्या आपकी पुरानी आदतें बदली या नहीं। अगर आज आपने ये नॉर्म सेट किया है तो क्या आप राज़ी हैं, तैयार हैं कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें। ठीक है, लेट्स सी आपके माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट इज इन योर माइंड। क्रिएटिविटी, आप बिगनिंग ही आपकी ऐसी चीज पर हुई थी, स्ट्रेस, द लवर्स, कॉम्प्रोमाइज, गाइडेंस। मैंने कहा था कोई पैटर्न टेस्ट होने के लिए आपके पास वापस आने वाला है, दिस कुड बी योर पार्टनर, और मे बी आपको अपनी इस जर्नी में उन तमाम वूंड्स का अंदाज़ा हो रहा है जो आपने रोमांस में भी बेयर किए, दोस्तियों में भी बेयर किए, रिश्तों में भी बेयर किए, फैमिली में भी बेयर किए। आप एक बहुत लविंग पर्सन हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपने अपनी लाइफ में किए हैं, बट अब जो कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपको करना पड़ रहा है तो आपको लगता है कि अब एक तरफा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, बिकॉज अपनी तरफ से तमाम कॉम्प्रोमाइज़ करने में अननेसेसरी बर्डन लेने का आपको बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। आपको लग रहा है कि नहीं, अगर ये अब तुम्हारा टास्क है तो तुम करो, मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठाऊँ। आप अपनी एनर्जी पे, जैसे क्योंकि आप देखें यहाँ की जो सीरीज़ है उसमें बहुत सेल्फ केयर है, और सेंटर में तमाम कॉन्फ्लिक्ट की बातें हैं और इस तरफ सारे कॉन्फिडेंस की बातें हैं। तो यहाँ पर श्योरिटी है, यहाँ पर एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर एम है। अगर मैं आपको समझाऊँ आसानी से, आप यहाँ पर सीरीज़ देखें, सेंटर के अंदर आप देखें कितना कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, रिग्रेट, डिटैचमेंट, लवर्स, स्ट्रेस, कॉम्प्रोमाइज़, और साइड में आप देखें क्रिएटिविटी, गाइडेंस, आई मीन एक्सट्रीम्स हैं दोनों साइड पर, और सेंटर में एक्सपीरियंस है। तो ये होगा, आपके माइंड में भी ये चीज़ चल रही है कि अगर ये चीज़ मेरी मोहब्बत से रिलेटेड है, अगर ये चीज़ मेरे तनाव से रिलेटेड है, ये मेरे जज्बात से रिलेटेड है, तो मुझे कितना हद तक झुकना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात जो थी, कितना मैं समझौता किस लेवल तक का करूँ, मैंने बहुत समझौता किया है, अब मुझे कितना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यू नो माइंड में आप किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेट्स सी आपके लव लाइफ के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज आपकी चेक कर रहे हैं, लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है।
कॉलिंग योर सोलमेट, किसी की एनर्जी क्लैश हो रही है आपके ऊपर, एक्सप्रेस योर लव, कोई आपसे अंदर की बातें निकलवाना चाहता है, फ्री योर सेल्फ, शायद आपको ये मैसेज देना चाह रहा हो कि कन्वर्सेशन करो, बात करो मुझसे और निकाल लो। रिलीजियस फैक्टर, आपका बिलीफ सिस्टम आपको टकरा रहा है, ये बिलीफ सिस्टम, ये रिलीजियस फैक्टर, ये चीज़ स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी सेल्फ वर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अना को चैलेंज कर रही है, आपकी ईगो को चैलेंज कर रही है। बिकॉज आपने अगर अपनी ज़िंदगी में कोई नॉर्म सेटिंग की है, कोई कानून बनाया है, कोई रूल बनाया है, तो उसका सबसे पहला एहतराम कौन करेगा? आप खुद। आप कल से बोले मैं चरस नहीं पीऊँ, आप बोले मैं शराब नहीं पीऊँ, अब मैं नाच गाना नहीं देखूँगा, अब मैं गाने नहीं सुनूँगा, और आप ये सिर्फ कहें और अगले को कहें कि देखो मैंने ये तय कर लिया, अब तुम मेरी इज्जत करो, लेकिन आप उसको अभी आप उसको डिटैच नहीं कर पाए हैं। आपने अभी सिर्फ एम किया है और अगले को कह रहे हैं मेरी आज से इज्जत करना शुरू कर दो। आपकी रिस्पेक्ट तब करेगा कोई जब आप खुद अपने नॉर्म की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई उसूल बना लिया है उस पर कायम रहें, और अगर आपने उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है तो एक्सप्रेस करें कि आपका जेस्चर क्या है, एक्सप्रेस करें कि आपको उस नॉर्म को सेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको अपनी लाइफ में ये डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगले को बता कर कॉर्ड्स कट करें, तभी वो गिव योर, यहाँ पर आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली एक चांस चाह रहे हैं और बहुत तगड़ा मैसेज आ गया है कि उनको रिकंसिलिएशन चाहिए है, दे वॉन्ट टू कम बैक। तो आपकी अपने पार्टनर से बातचीत बंद हो गई है, या आप लोग आपके पार्टनर आपका कोल्ड भी, कोई लड़ाई नहीं नज़र आ रही लेकिन कन्वर्सेशन एंड हुई हुई है, जिसकी वजह से एक खामोशी है। मे बी आपकी वर्थ का इनको अंदाज़ा हो रहा है, एंड नाउ दे वॉन्ट टू कम बैक विद द सॉलिड ऑफ्टर ऑफ्टर ऑफ्टर। ये ऑफर आज मेरे मुंह से निकल क्यों नहीं रहा? बात भी करना है, पैशन भी शो करना है, फड्डे के लिए भी तैयार है, मेहनत भी करनी है, वॉक कम बैक भी लिखा हुआ है, मतलब बड़ी मज़ेदार चीज़ है आपकी एनर्जी में इस वक्त। मे बी आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब हो चुके हैं, आप बाय डिफ़ॉल्ट मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप अपने कामों में लगे हुए थे, आपको पता ही नहीं था, आपने वही मेरी वाली बात जो मैं हर रीडिंग में कहती हूँ, दुर फटे मुँह थिक की बड़ा, और तो आपने शायद वो वाकई कर दिया और आप मसरूफ़ हो गए। अब वो बहुत सारी चीज़ें पलट के वापस आ रही हैं, तो आप नहीं है उस, बिकॉज आप नाइन ऑफ पेंटिकल्स में बड़ी फ्री स्पिरिट की तरह मस्त मलंग चकी तई। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या है और क्या आपके लिए मैसेजेस हैं। और माय लाइफ वर्क्स ब्यूटिफुली, एवरीथिंग इन माय लाइफ वर्क्स नाउ एंड फॉर ever, very nice, very positive, I am in the process of positive change। पहली बात मैंने कह दी थी, आप negativity नहीं चाहते हैं, आपको नहीं चाहिए negativity। As I say yes to life, life says yes to me। Wow, things are working according to you, lovely, this is beautiful। My healing is already in process, so that means वही जो मैं कह रही थी ना कि आपकी manifestation by default हो गई है, तो वो हो गई है और आप एक बेटर पोजीशन में हैं। आपका गुस्सा इस वक्त वेल डिज़र्विंग है, आपकी नाराज़गी इस वक्त वेल डिज़र्विंग है, आप इस वक्त बिल्कुल सही फॉर्म में, सही जेस्चर, सही रूड एटीट्यूड, सही कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, कीप इट अप, दैट्स ब्रिलियंट। लेकिन बस वही वाली बात, जिसने आना है वो खुद आके जुड़ जाएगा, सही है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है, करंट एनर्जीज आपकी चेक कर रहे हैं, लेट्स सी के आपके लिए एडवाइज क्या है। एडवाइज, रमजान इज वेरी क्लोज, आई एम अफ्रेड टू से, बट मे बी मैं रमजान में प्राइवेट रीडिंग्स ना करूं बिकॉज ऑफ वेरी हैक्टिक स्केड्यूल। जब ऑफर करूंगी तो बता दूंगी। मैसेजेस करके एक दो दिन रह गए हैं, इफ यू वॉन्ट टू बुक अ रीडिंग गेट इट डन, अदरवाइज देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी दैट मैं रमज़ान में ऑफ हो जाऊंगी, क्योंकि जाहरी सी बात है भाई, मुझे भी अपने आप को फ़िल्टर करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुदा ताला की ज़ात से बहुत करीब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो पूरा यकीन है कि मैं करीब हूँ, क्योंकि मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं भाई सिवाय अल्लाह ताला के, और मेरे पंजतन पाक, मेरे आयमा अथार, मेरे इमाम,
लेकिन जाहिर सी बात है ये बहुत बाबरकत महीना है। ठीक है, मुझे भी अल्लाह को मक्खन लगाना है। ठीक है, चलिए जी आपके लिए एडवाइस चेक करते हैं। करंट एनर्जीज आपकी हैं तो आपके लिए क्या एडवाइस है। लास्ट में मैं आपके लिए बोनस के तौर पर एंजल आंसर्स भी लूँगी, और एंजल आंसर्स मैं कभी भी रीडिंग की बिगनिंग में नहीं बताती। अब ये आपकी लक है कि आप रीडिंग को एंड तक देखें और एंजल आंसर्स लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। स्टिल आई नीड योर सपोर्ट एंड हेल्प। ठीक है, एडवाइस फॉर यू, दो कार्ड्स आ गए। प्लेइंग इट सेफ, द लविंग मैन, कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है, जरा जरा महकता है। देख लीजिए ये दड़ियल आ रहा है आपकी लाइफ में, और अगर आप खुद दड़ियल हैं तो ध्यान रखिएगा आपकी गर्लफ्रेंड की दाढ़ी ना निकल आई हो। बट द मोस्ट ऑन अ सीरियस नोट, मजाक की बात अलग, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट किसी के भी कमबैक से ना आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक जिससे आपने ठोकर खाई हुई अगर वही वापस आता है तो वही मौला अली का कॉल के मोमिन की पहचान है कि वो एक दफ़ा से धोखा खा के दोबारा धोखा नहीं खाता, यानी कि वो सबक सीख लेता है। तो आपको सेफ प्ले करना है, आपने ध्यान रखना है कोई आपको उल्लू ना बना जाए, आप कोई आपको चिकनी चुपड़ियाँ बातें करके। एंड ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज़ समबडी एंड दिस कैन बी एन एनर्जी इन अ वुमेन ऑल्सो, अ लविंग मैन, एंड द लविंग मैन कुड बी इन एनी फॉर्म, आपके फादर, हस्बैंड, लवर, एक्स, भाई, कज़न, कॉलीग, किसी भी फॉर्म में कोई ऐसी एनर्जी जो कि बहुत लविंग होगी। बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, यू नीड टू प्ले इट वेरी सेफ। हो सकता है कोई सिर्फ आपकी तारीफ सुने, आप औखे रूखे बैठे हों तो आप बिल्कुल रोमांस को ले जाएं, कोई आपसे रोमांस करना चाहे आप उसको आगे ले जाएं, तो यू नीड टू प्ले सेफ। बिकॉज आप किसी ना किसी तरीके से इस पूरी सिचुएशन में जो गाइडेंस आ रही है ना, आप अपने आप को स्टक खुद किए हुए हैं। ये स्टक एनर्जी का क्यों कार्ड आया है आपकी गाइडेंस में, इसको भी मजीद क्लियर करती हूँ। ट्रू लव, बिकॉज आपको सेंस हो गया है कि सच्ची मोहब्बत, सच्चा खुलूस, सच्ची नेक नियति क्या होती है। सो ट्रू लव क्या है? ट्रू लव सिर्फ आपको एक ही इंसान दे सकता है, और वो है आपकी अपनी ज़ात। अगर आप अपनी खुशी किसी और में तलाश करते हैं तो नहीं, वो सिर्फ औलाद और माँ ही होती है या बाप ही होता है जो कि किसी और के अंदर अपनी खुशी तलाश करे। लेकिन उसके अलावा अगर आप एज एन इंडिविजुअल सोचें, जो कि आप इस वक्त हैं, तो आपको खुश करने वाली ज़ात सिर्फ आपकी अपनी है। ठीक है, तो दिस इज़ योर एडवाइस। फाइनली आई एम सो सॉरी भाई, रीडिंग लंबी हो रही है, लेकिन मैं एंजल आंसर्स आपके लिए ले लेती हूँ। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन जी, दिल देने वालों, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन जी। ठीक है, सब कुछ ही निकल आया एंजल आंसर्स में। चलिए जी क्वेश्चन, अरे भाई कभी यहाँ से उल्टा, कभी तो वहाँ से उल्टा, ये उल्टा है, ये उल्टा। ओके, क्या पूछ रहे हैं ऐसा जो सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। चलिए जी, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सिर्फ येस और नो में आंसर। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, 1, 2, 3। इट्स अ बिग 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 येस, इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग पे जो भी होने वाला है वो परफेक्ट टाइमिंग पर होने वाला है। ठीक है, इट्स अ बिग येस, टेक केयर, बाय बाय।